जब हम असेसमेंट कर रहे होते हैं नॉलेज मैनेजमेंट के प्रोसेस की तो एक मैथड इसमें यूज होता है जिसको हम बैलेंस्ड स्कोर कार्ड मैथड कहते हैं ये बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है इस पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं कि अ मेजरमेंट सिस्टम दैट एनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन टू क्लैरिफाई देर विजन एंड स्ट्रेटजी एंड ट्रांसलेट दैम इंटू एक्शन कि विजन और स्ट्रेटजी को ये एक्शंस में ट्रांसलेट करने का नाम है इस मेथड का एक नाम जो है वो बैलेंस स्कोर कार्ड है कि एक तरफ आपके विजन्स और आपकी स्ट्रेटजी है और दूसरी तरफ आपके अचीवेबल एक्शंस जो हैं अचीवेबल गोल्स हैं इट प्रोवाइड्स फीडबैक अराउंड बोथ द इंटरनल बिजनेस प्रोसेस एंड एक्सटर्नल आउटकम्स इन ऑर्डर टू कंटिन्यूसली इम्प्रूव स्ट्रेटजिक परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट कि आपकी जो परफॉर्मेंस है आपके जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे इम्प्रूव होंगे उसके लिए लाजिम है कि जो आपके इंटरनल बिजनेस प्रोसेस हैं और आपकी जो एक्सटर्नल आउटकम्स हैं उनको ये एक जगह पर नोट करके तो उसको असेस करता है द बैलेंस स्कोर कार्ड इज़ अ कंसेपचुअल फ्रेमवर्क फॉर ट्रांसलेटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन विजन इनटू परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इसके नतीजे में इसको तैयार करने के नतीजे में हमारे पास कुछ परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आ जाते हैं कि जिनको सामने रख के हम जब असेसमेंट करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारा कौन सा काम जो है उस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग है या कौन सा काम उससे कम या ज़्यादा लेवल का है ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर हमारे काम आते हैं इसमें जो लफ्ज़ है बैलेंस्ड ये बैलेंस किन चीज़ों के दरमियान करता है तो उसकी एक लिस्ट है कि लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स में बैलेंस करता है फिर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मेयर्स में बैलेंस करता है फिर इंटरनल एंड एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के, के उस खास इनिशिएटिव के उसमें बैलेंस करता है फिर लैगिंग एंड लीडिंग इंडिकेटर्स में बैलेंस करता है कि कौन से इंडिकेटर्स पीछे रह गए कौन से आगे बढ़ गए उनके दरम्यान बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है इसके बाद है ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव मईर्स कि जब हम क्वांटिटेटिव स्टाइल में मैस लेते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जब हम नैरेटिव स्टाइल में लेते हैं लोगों की ओपिनियन लेते हैं तो वो फिर क्वालिटेटिव या सब्जेक्टिव होती है इनके दरमियान बैलेंस करने का काम करता है इसके बाद है परफॉर्मेंस रिजल्ट एंड ड्राइवर्स ऑफ फ्यूचर रिजल्ट कि आपने जो परफॉर्म किया उसके जो रिज़ल्ट आए और जो फ्यूचर में काम करना है उसके लिए ड्राइव करने के पॉइंट्स कौन से हैं इनके दरमियान बैलेंस कायम करने की कोशिश करता है ये टूल इसके बाद है जी कि इसमें होता क्या है इसमें होता ये है ये हाई लेवल बैलेंस स्कोर कार्ड आपके सामने है इसमें दरमियान में यहाँ पे विजन एंड स्ट्रेटजी लिखी हुई है और इसको कन्वर्ट किया गया है चार मुख्तलि टाइप्स के एक्शन में एक है फाइनेंशियल डिमेंशन है इसकी एक फिर कस्टमर डायमेंशन है उसके बाद फिर लर्निंग एंड ग्रोथ डायमेंशन है और उसके बाद फिर इसमें इंटरनल बिज़नेस प्रोसीजर इंटरनल बिज़नेस प्रोसेस डायमेंशन है तो ये चार डायमेंशनस में जो एक्शंस हैं उनको ये करता है तकसीम इसमें अगर हम ये देखें कई चारों डमेंशन है क्या तो सबसे पहले फाइनेंशियल डायमेंशन है इसमें क्या होता है कि ऑपरेटिंग इनकम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड इकनॉमिक वैल्यू एडिड कि जब आप असमेंट कर रहे हैं तो इसमें ये जायज़ा लेगा इनकम क्या आई जो आपने पैसा खर्च किया उसका रिटर्न क्या आया और जो इकनॉमिक वैल्यू है किसी प्रोडक्ट की या किसी कंपनी में उसमें क्या इजाफा हुआ उसके बाद कस्टमर डायमेंशन में कस्टमर फोकस है इसमें कस्टमर सेटिसफेक्शन कितनी हुई रिटेंशन कितनी हुई कस्टमर की जिसको हम लॉयल्टी कहते हैं एंड मार्केट शेयर इन टारगेटेड सेगमेंट्स कि जिन सेगमेंट्स को मार्केट सेगमेंट्स को हमने टारगेट किया उसके नतीजे में टारगेट के नतीजे में हमारा जो है वो मार्केटिंग की एक्टिविटी के बाद शेयर कितना बढ़ा उसके बाद है इंटरनल बिजनेस प्रोसेस uh, डायमेंशन इसमें क्या होता है कि कॉस्ट कितनी आ रही है थ्रू पुट का मतलब है कि आउटकम या आउटपुट कितनी हुई और उसके बाद है क्वालिटी कि क्या क्वालिटी अचीव हुई उस प्रोडक्ट की या सर्विस की उसके बाद है लर्निंग एंड एंड ग्रोथ डायमेंशन इसमें क्या है कि एम्प्लॉई सेटिस्फेक्शन देखनी है इसमें एम्प्लॉई की रिटेंशन देखनी है कि वो छोड़ के तो नहीं जा रहे और फिर स्किल सेट देखना है कि पहले के मुकाबले में एम्प्लॉज़ का जो स्किल सेट है वो नॉलेज मैनेजमेंट के एप्लीकेशन के बाद क्या उसमें कुछ इजाफा हुआ है और अब जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं वो ज़्यादा अच्छे नोअर हैं और वो जानते हैं कि उनके पास नॉलेज है और उस नॉलेज को अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं क्या